संबल में लोकसभा चुनाव करीब आते ही प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार के कारागार एवं होमगार्ड राज्य मंत्री धर्मवीर सिंह प्रजापति ने संभल विधानसभा क्षेत्र में पहुंचकर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन के समापन के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि संविधान कोई नहीं बदल सकता। संविधान से लोकसभा चलती है, संविधान से ही विधानसभा चलती है, संविधान सर्वोपरि है। इंडिया गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में जो डॉट है वह चुनाव आते आते इतना बढ़ जाएगा कि उनका मिलना मुश्किल हो जाएगा। टिकट तय नहीं कर पा रहे हैं, कितनी बार टिकटें बदली हैं वो खुद कंफ्यूज हैं। मायावती के जीतने के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने वाले बयान पर कहा कि जब उनका उत्तर प्रदेश में खाता भी नहीं खुलने वाला है तब वह ये बयान दे रही हैं। बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमारे लखनऊ के पत्रकार हमसे जब चर्चा करते थे तो हम कहते थे कि इंडिया गठबंधन में जो डोटे हैं वो चुनाव आते आते इतनी डोट बढ़ जाएंगी कि उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वही स्थिति हो रही है, टिकटें तय नहीं कर पा रहे, कितनी बार टिकटें बदली गई हैं ये खुद वो कन्फ्यूज हैं और टिकट बदलने के चक्कर में वो समय भी नहीं दे पा रहे। और हमारी पार्टी 5 विधानसभा में जब चुनाव हुए तो उसके बाद में हम सब लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए। 14 लोकसभा पहले हमारी हम हारे थे, 14 लोकसभा में हमारे 2 साल से हमारे पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। जब दो दो साल से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ सभी हमारे वरिष्ठ नेता वहाँ लगे हैं और काम कर रहे हैं। हम जब जीतेंगे तो वही विपक्षी जिनके पास समय नहीं जनता के बीच में जाने का वो आरोप लगाते हैं ईवीएम का, और ये नहीं देखते कि भाजपा 5 राज्यों के चुनाव के बाद तत्काल चुनाव में हम लोग लोकसभा की तैयारी में लग गए और 2-2 साल से हमारे 14 विधानसभा में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लगे हैं। इस वो तैयारी के साथ हम लोग काम करते हैं। क्या सर बदायूं में बीजेपी प्रत्याशी के सामने सर समाजवादी पार्टी जो है आदित्य यादव को ज़्यादा मजबूत मानती है, इसलिए कुछ उन्होंने इस तरीके का स्टैंड ले लिया? समाजवादी पार्टी कन्फ्यूज है, वहाँ हमारी भाजपा के प्रत्याशी हमारे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह शास्त्री वो जीत रहे हैं, ये सबको पता चल गया है, तो उस चक्कर में वो अपने परेशान हैं कि क्या करें कैसे करें। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।